सो गाइज यार, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वॉशिंग मशीन की मार्क यू बाय फ्लिपकार्ट की तरफ से। देखो यार, आज इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं, क्या इसके अंदर आपको पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं, और क्या आपको ये लेना चाहिए, और कितने प्राइस में आपको ये मिल जाएगा अगर आपने इसको ख़रीदना है। तो मैंने इसे बिग बिलियन डेज में ख़रीदा, और आपको अगर ये ख़रीदना है तो आप इसे कैसे ख़रीदोगे, सब कुछ आज यहाँ पर हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं इसके बॉक्स से। एक बार बॉक्स में जैसे ही आप आओगे तो सबसे पहले हमें इसका ब्रांड मिलेगा जो कि मार्क यू फ्लिपकार्ट की तरफ से है। 6 kg की ये लोड रखता है, और उसके बाद हमें इसके कुछ की पॉइंट्स मिलते हैं। 5 ईयर की यार यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसकी वारंटी मिलती है मोटर की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमें एक पावरफुल मोटर, उसके साथ इसके अंदर जो एनर्जी एफिशिएंट का एक पॉइंट है, यानी एनर्जी एफिशिएंट अगर आप देखें तो अब इस बिजली में आपको बहुत कटौती मिलेगी अगर आप इस वॉशिंग मशीन को यूज़ करते हो। उसके बाद आपको मिलता है 6 फिन का पल्सेटर जो इसके अंदर रोटेट होता है जब आप अपने वॉश करते हो कपड़े। उसके बाद आपको यहाँ पर 1350 रोटेशन पर मिनट का आपको साइकिल मिलेगा, तो यानी अगर आप 1350 एक मिनट में आपका जो है मोटर रोटेट कर सकती है, तो इतनी पावरफुल यहाँ पर ये मोटर रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको लोगो बिल्कुल दिखाई देगा जो पावर सेविंग गाइड की तरफ से इसको 5 स्टार मिला है, यानी आपकी एनर्जी बचाने में आपका ये बहुत मदद करने वाली है। अब चलो इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो यार, वैसे हमने इसकी यहाँ से टेप वगैरह उतार लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको थर्मोकोल की एक शील्ड मिलेगी। थर्मोकोल की शील्ड यार बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती है आपकी वॉशिंग मशीन को जब ये शिपिंग वगैरह में जाती है। तो चलिए हम इसे उतार लेते हैं और अब देखते हैं कि क्या इसके अंदर हमें मिलने वाला है। देखो यार, वैसे लुक के जरिए देखो तो अगर आप मशीन को, तो मशीन यार बहुत ही एक ग्लोसिम सा लुक रखती है, बहुत ही मज़ेदार सा। आपको यहाँ पर बॉडी जो है, साथ में यहाँ पर 2 वाटर इनलेट मिलेंगे, एक आपको बॉडी वॉश के लिए यानी आपके जो कपड़े हैं उनको धोने के लिए, और दूसरा यहाँ पर आपको ड्रायर के लिए भी मिलने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम पॉइंट्स देखें तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स मिलते हैं। सबसे पहला वॉश टाइम जो कि आपके वॉश करने के लिए यूज़ होगा, दूसरा आपको वॉश सिलेक्टर आप नॉर्मल करना चाहते हो, जेंटल करना चाहते हो, या फिर आप पानी बाहर निकालना चाहते हो तो यहाँ से आप ड्रेन भी उसे कर लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्पिनर मिलेगा जो ड्रायर के लिए आपके बहुत काम आएगा, यहाँ पर आप उसे स्पिन का टाइम भी अपना चेंज कर सकते हो। तो 6 kg की यार यहाँ पर इसकी लोड कैपेसिटी है। उसके बाद चलो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले यहाँ पर पन्नियाँ उधेड़ लेते हैं। वाओ, सो यार अगर यहाँ से हम देखें तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, अंदर जो भी है इसके वो हमें यहाँ पर बिल्कुल दिखाई देगा। तो चलिए अब इसकी हम बिल्कुल डब्बा अनबॉक्सिंग बिल्कुल उड़ा देते हैं। सो यार, अनबॉक्सिंग करने के बाद यहाँ पर आपको लुक में देखेंगे तो आपको कुछ मशीन इस तरह का लुक दिखाई देगी। अभी तो यार कुछ सब कुछ चमक चमक रहा है। चलो देखते हैं कि कैसी ये रहती है, अंदर से इसके अंदर हमें क्या पॉइंट्स मिलने वाले हैं, पॉजिटिव रिव्यू रहने वाला है, नेगेटिव, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉडी की। तो यार बॉडी ऊपर से देखें तो वैसे बिल्कुल, यहाँ से देखें तो बिल्कुल कुछ ज़्यादा मुझे खास तो नहीं लग रही। जो मटेरियल है यार वो थोड़ा बेंड हो जाता है जब आप इसके कुछ वेट करते हो, और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको इस कंटेनर बहुत अच्छा है यार, लगभग 6 kg आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। 6 फिन का आपका ये पल्सेटर रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1350 यहाँ पर आपको रोटेशन मिलने वाले हैं इस मशीन से। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पाइप मिल जाता है, और एक ये ड्रायर के अंदर आपको एक यूज़ होने वाला एक सामान भी मिलता है, वो भी चलो हम इसका नाम तो नहीं मालूम अब क्या होगा ये, चलो वो भी आपको यूज करेंगे तो बाद में बता देंगे। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर ड्रायर है, तो ड्रायर को यहाँ से चलिए ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक थर्मोकोल की शील्ड मिलेगी, थर्मोकोल की शील्ड का चलो अब हमें कोई काम नहीं। तो 4 kg का ये एक ड्रायर रहने वाला है हमारा, और इसमें हम 4 किलो तक की लोड कैपेसिटी रख सकते हैं। तो यहाँ से हमें इसको बंद करना है, तो यहाँ से आसानी से तो यार वैसे बंद नहीं हो रहा, शायद इसका लॉक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ध्यान से इसको अगर देखना है तो ध्यान से इसको बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ सेफ्टी गाइड्स भी लिखे हैं कि अगर आप ड्रायर चलाओगे तो आपको कुछ ये इस तरह की आपको यहाँ पर इन इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है। और एक की पॉइंट बता देता हूँ कि अगर आप ड्रायर चलाओगे तो आपको ये वाला जो है ढक्कन, इसको बंद करोगे तभी आपका ड्रायर रन करेगा। इसके बाद आपका ड्रायर रन करेगा, और नहीं अगर इसको ऊपर रखोगे तो आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो आपका ड्रायर रन नहीं करेगा। बात कर लेते हैं हम बाहर से यार लुक तो अच्छा है। तो बस इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके बाहर से। यहाँ पर भी आपको मार्क यू बाय फ्लिपकार्ट का एक सिंबल देखने को मिलता है,
उसके अलावा यहाँ पर भी आपको 5 ईयर की वारंटी और पावरफुल मोटर, बी एनर्जी एफिशिएंट, 6 फिन का पल्सेटर, 1350 रोटेशन पर मिनट के पल्सेट साइकिल्स मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको एक पावर सेविंग गाइड्स मिलता है और यहाँ पर आपको जो वाटर इनलेट होता है बाहर निकालने वाला पानी, उसके लिए एक पाइप दिया है और यहाँ पर आपको उसका एक लॉक भी मिल जाता है जिसको आप यहाँ पर ऐसे करके हैंग कर सकते हो। ये जो कि मुझे पॉइंट अच्छा लगा। बाकी यहाँ पर इसकी क्वालिटी देखें तो इस ढक्कन की यार कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी मुझे। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं इसके बैक साइड की। तो बैक साइड में यार आपको यहाँ पर एक सीरियल नंबर, साथ में आपको यहाँ पर इसकी लोड कैपेसिटी, वाटर लेवल कितना रख सकता है, सप्लाई, इनपुट पावर और मेड इन इंडिया लिखा होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ नीचे आए, नीचे देखोगे तो यहाँ पर हमें जो एक स्विच है ऐसे करके दिया हुआ है कि अगर हम इसे बाद में यूज कर लेते हैं मशीन को, तो हम यहाँ से ऐसे ही से वापस लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे, ताकि आपको यहाँ पर इसे वापस कवर कर सको। तो पीछे से यार बॉडी वैसे बिल्कुल नॉर्मल सी है और यहाँ पर आपको जो ये पॉइंट्स मिलने वाले हैं, पॉइंट्स वाली यार प्लास्टिक वैसे ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं कहूँगा, ओवरऑल यार ये ओके है इस प्राइस पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ एंड में। तो वैसे ओवरऑल इसका 7000 प्राइस आपको देखने को मिलता है, तो मुझे बिग बिलियन डेज में कितना मिला वो मैं आपको बाद में प्रूफ समेत दिखाऊंगा। इसके अंदर अगर हम ओपन करें तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट्स मिलता है, ऐसे करके हमें पुश करना है इसको, तो हम इसे बाहर भी निकाल लेते हैं ताकि यहाँ पर कुछ जो गंदगी वगैरह हो इससे हम साफ कर सकें। बाद में इसे ऐसे लगा लेना है, यहाँ ऐसे करना और ये जो पॉइंट्स है इसको यहाँ पर पुश कर देना है ऐसे करके, तो यहाँ पर ये हमारा फिक्स हो चुका है। तो गाइस ये था ओवरऑल यहाँ पर इस अनबॉक्सिंग में, और अनबॉक्सिंग यार आपको कैसी लगी? तो यहाँ पर मेरी तरफ से इस मशीन को 5 में से यार 3.5 रेटिंग मिलता है, क्योंकि यार देखो 1 पॉइंट यहाँ पर कटता है इसकी जो ये प्लास्टिक यूज हुई है इन स्पिनर को और इस वाटर इनलेट वाले को कवर करने के लिए, थोड़ी मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा कुछ खास है। बाकी ओवरऑल ओके, अगर आपके घर में कोई शैतान बच्चा नहीं है तो आप इसे बिल्कुल नॉर्मली हैंडल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, अगर आपकी फैमिली 3 से 5 परिवार तक की है तो। इसके बाद यहाँ पर ड्रायर में मुझे यार ये लॉक थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इस लॉक को लगाते हुए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये लॉक के भी यार यहाँ पर हम नंबर कुछ काट लेते हैं और इधर से इस प्लास्टिक के भी कुछ रहने वाले हैं। बाकी ओवरऑल ओके है यार मशीन, आप सब इसको बाय कर सकते हो। तो मुझे ये पड़ी बिग बिलियन डेज के अंदर 5690 रुपीज़, यानी 5690 रुपये की। तो यार कैसी लगी आपको अनबॉक्सिंग यार आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो। तो ये रही ओवरऑल फ्लिपकार्ट मार्क्यू की अनबॉक्सिंग। तो चलिए अब एंड में चेक करते हैं कि ये कितना वाइब्रेट करती है जब इसे हम पावर देते हैं। तो चलिए हमने इसको पावर दे दिया है और प्लग को हम कर देते हैं ऑन, और ऑन करने के बाद हम इसके स्पिनर को घुमाएंगे, लेकिन इससे पहले हम जो इसके अंदर पड़ा है मटेरियल उसको बाहर कर देते हैं और यहाँ से अब स्पिनर को हम ऑन कर देते हैं 3 पे। तो यहाँ पर अब आप साउंड सुन सकते हैं कि कितना आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर ये घूम रहा है इधर हमारा पल्सेटर जिसको हमने अभी 3 पर रखा है, और अगर हम इसको चेंज कर देते हैं 6 पर 9 पर तो देखते हैं कितना टाइम लेगा ये घूमने। तो ये था यार इसका ओवरऑल साउंड, अगर आप सुनना चाहे तो सुन सकते हो। और अब इसके स्पिनर को भी हम घुमाएंगे, पहले इसको कर लेते हैं ऑफ, चाहे आप इसे ऑन करके रखकर स्पिन ड्रायर को यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब ड्रायर को कर लेते हैं ऑन। तो ऑन करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं इसकी बॉडी में कुछ है तो नहीं। अब सबसे पहले इसको लॉक कर लेते हैं, लॉक करने के बाद देखो इसको हम करते हैं ऊपर, ये हमारा रोटेट होने लग गया है ड्रायर। और अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम इसको रोक लेते हैं तो ये हमारा ड्रायर बंद हो जाता है, अगर हम इसे बंद कर देते हैं तो ये हमारा ड्रायर फिर से घूमने लग जाता है। तो चलिए ये था यार ओवरऑल साउंड इसका, अगर आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।